भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जमाया। लंबे समय बाद कोहली के बल्ले से जैसे ही शतक निकला, उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा स्टैंड में भावुक नजर आईं। कोहली ने भी अपनी शतकीय पारी का श्रेय अनुष्का को दिया और साथ ही अपने आलोचकों को भी जवाब दे दिया। कोहली ने ऑप्ट स्टेडियम में 143 गेंद में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 100 रन बनाए। उन्हें उस शतक के लिए लगभग 16 महीने और 15 टेस्ट पारियों का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने जुलाई 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 121 रन बनाए थे। विराट कोहली ने शतक लगाने के बाद कहा, अनुष्का हर अच्छे बुरे में मेरे साथ खड़ी नहीं, पर्दे के पीछे वो हर चीज़ जानती हैं। वो जानती हैं कि जब अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो दिमाग में क्या चल रहा होता है। विराट कोहली ने जब चौका लगाया तो उन्हें मालूम नहीं था कि उनका शतक हुआ है या नहीं। अंपायर से पूछने के बाद उन्होंने हेलमेट निकाला और दर्शकों को बल्ला दिखाया। उन्होंने फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस किया। अनुष्का ने भी तालियां बजाकर कोहली के शतक का जश्न मनाया। कोहली के खराब फॉर्म को देखते हुए उन्हें रिटायरमेंट की सलाह दी जा रही थी। शतकीय पारी के बाद विराट कोहली ने अपने आलोचकों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। आप क्रीज पर समय बिताने के बाद कुछ गलतियां कर देते हैं। मैं सिर्फ टीम के हित में योगदान देना चाहता था। मैं सिर्फ समय काटने के लिए क्रीज पर डटे रहना नहीं चाहता था। लंबे इंतजार के बाद विराट कोहली ने शतक अपने नाम किया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद मैच के तीसरे दिन विराट कोहली ने 143 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया। इस शतक के बाद विराट अपनी पत्नी अनुष्का को फ्लाइंग किस देते नजर आए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पर्थ टेस्ट में शतक लगाने के बाद विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा को भी इस सफलता का श्रेय दिया। विराट ने कहा, अनुष्का मेरे सफर में हर अच्छे बुरे समय में साथ रही हैं। अब वह यहाँ हैं, इससे यह और भी खास हो गया है। विराट कोहली पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, हालांकि अनुष्का हमेशा उनके साथ नजर आईं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अनुष्का स्टैंड में टीम इंडिया और विराट कोहली को चेयर करती नजर आईं। विराट ने शतक के साथ ही बाहरी देश में सर्वाधिक 7 शतक बनाने के सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने इसके अलावा एक देश के खिलाफ 9 शतक बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। तेंदुलकर के श्रीलंका के खिलाफ 9 शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 शतक हैं। गावस्कर के नाम वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 13 शतक बनाने का रिकॉर्ड है। विराट कोहली का ये 30वां शतक है और वह ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों से आगे निकल गए हैं।